प्यारे दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि दराज ऐप क्या है। दराज ऐप एक ऐसा प्लेटफार्म है जहां से आप अपनी मर्जी की किसी भी किस्म की कोई भी ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हैं। अगर आपके मोबाइल के अंदर दराज ऐप इंस्टॉल है लेकिन आपको इसका अकाउंट बनाना नहीं आता, तो आज की ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को सिखाऊंगा कि आप लोग अपने दराज ऐप के अंदर दराज अकाउंट किस तरह से बना सकते हैं। दोस्तों, दराज पर अकाउंट बनाना कोई भी मुश्किल काम नहीं है, ये बिल्कुल आसान काम है, बस आपने स्टेप फॉलो करते जाना है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, अकाउंट बनाने के लिए जो सबसे पहला काम आपने करना है, आप लोगों ने चले जाना है प्ले स्टोर के अंदर। प्ले स्टोर को ओपन करने के बाद आप लोगों ने सर्च कर लेना है दराज ऐप। दोस्तों, जैसे ही आप दराज ऐप सर्च करेंगे प्ले स्टोर पर, तो आपके सामने दराज ऑनलाइन शॉपिंग ऐप के नाम से एक एप्लीकेशन शो हो जाएगी। दोस्तों, आपने इस ऐप को इंस्टॉल करके ओपन कर लेना है। जैसे ही आप दराज ऐप को प्ले स्टोर से इंस्टॉल करने के बाद ओपन करेंगे, तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। तो यहाँ पर आप लोगों ने इसको राइट साइड पर स्क्रोल करते जाना है। स्क्रोल करते करते आपको एंड पे ये ऑप्शन आएगा स्टार्ट शॉपिंग का, आपने इस पर क्लिक कर देना है। स्टार्ट शॉपिंग पर क्लिक करने के बाद आपके सामने ये ऑप्शन आएगा, आपने इसको कैंसिल कर देना है। फर्स्ट ऑप्शन को कैंसिल करने के बाद आपके सामने दो से तीन ऑप्शन मजीद आएंगे, आपने इनको भी कैंसिल कर देना है। दोस्तों, सब ऑप्शन कैंसिल करने के बाद आप लोगों के सामने दराज ऐप का कुछ इस तरह का फ्रंट पेज आ जाएगा। दोस्तों, आपने दराज ऐप के इसी फ्रंट पेज पे राइट साइड पे बिल्कुल नीचे नीचे आ जाना है। तो नीचे राइट साइड पर कोने में आपको अकाउंट का ऑप्शन नजर आएगा, आपने इस पे क्लिक कर देना है। अकाउंट के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपके सामने ये पेज आएगा। आप लोगों ने यहाँ पर सबसे ऊपर जो लॉगिन साइन अप का बटन शो हो रहा है, आपने इस पे क्लिक करना है। लॉगिन साइन अप के बटन पर क्लिक करने के बाद आपके सामने एक नया पेज शो हो जाएगा। तो दोस्तों, यहाँ पर हमें अकाउंट बनाने के लिए दराज ऐप ने तीन ऑप्शन दिए हैं। फर्स्ट नंबर पर मोबाइल नंबर का ऑप्शन है, तो फ़ोन नंबर के अलावा भी दो ऑप्शन मजीद दराज ऐप ने यहाँ पर दिया है, एक है फेसबुक और दूसरा है गूगल अकाउंट। अगर आप अपने फेसबुक आईडी से अकाउंट क्रिएट करना चाहते हैं तो आपने फेसबुक पे क्लिक करना है, और अगर आप जीमेल से अकाउंट बनाना चाहते हैं तो आपने इस गूगल आइकन पे क्लिक कर देना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ट्राई करते हैं मोबाइल नंबर से साइन अप करने की। दोस्तों, यहाँ पर आपने अपना मोबाइल नंबर एंटर कर देना है जिस नंबर पर आप अपना दराज अकाउंट बनाना चाहते हैं। नंबर एंटर करने के बाद आपने नेक्स्ट के बटन पर क्लिक कर देना है। नंबर एंटर करने के बाद दोस्तों आपको ओटीपी कोड का ऑप्शन मिलेगा, जो नंबर आपने दिया है आपके दिए हुए नंबर पर चेंज होगा कोड आएगा, आप लोगों ने वही कोड यहाँ पर एंटर करके नेक्स्ट कर देना है। यहाँ पर एक बात नोट कर लेनी है आपने, जिस नंबर पर आप अकाउंट बना रहे हैं कोशिश करें कि उसी नंबर पर आपका व्हाट्सएप बना हुआ होना चाहिए। दोस्तों, ओटीपी आने के 50% चांसेस होते हैं कि वो आपके एसएमएस पर आएगा, और 50% चांसेस होते हैं कि वो आपके व्हाट्सएप नंबर पर ही भेजेंगे। तो दोस्तों, यहाँ से मैं अपनी व्हाट्सएप को ओपन करके चेक करता हूँ कि मेरा ओटीपी आया है कि नहीं आया। तो आपके सामने मैं अपना व्हाट्सएप बार बार चेक कर रहा हूँ, लेकिन उन्होंने ओटीपी यहाँ नहीं भेजा। अगर आपको भी आपका ओटीपी मौजूदा टाइम के अंदर नहीं मिलता, तो आपने उसे रीसेंड के ऑप्शन पर दोबारा क्लिक कर देना है। अगर बार बार ट्राई करने के बावजूद भी आपके नंबर पर ओटीपी कोड नहीं आ रहा, तो आप लोगों ने काइंडली या तो नंबर चेंज कर लेना है, या फिर आपने अपना अकाउंट जीमेल से क्रिएट कर लेना है। तो दोस्तों, मेरे पास मोबाइल नंबर पर अकाउंट नहीं बन रहा, तो अब मैं अपना दराज अकाउंट जीमेल से क्रिएट करने की ट्राई करता हूँ। तो दोस्तों, यहाँ से बैक आ जाते हैं। तो दोस्तों, बैक आने के बाद यहाँ पर नीचे फेसबुक के साथ जो गूगल अकाउंट का ऑप्शन बना हुआ है, यहाँ पर क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपसे पॉलिसी एग्रीमेंट का ऑप्शन आएगा, आप लोगों ने इसे एग्री कर देना है। एग्री करने के बाद आपके मोबाइल के अंदर जितनी भी जीमेल्स लगी होंगी वो शो हो जाएंगी। अब आपने इन सारे जीमेल्स में से वो वाली जीमेल सेलेक्ट करनी है जो आपकी बिल्कुल फ्रेश हो, जिस पर पहले से कोई भी दराज अकाउंट बना हुआ ना हो। तो मैं यहाँ से सबसे नीचे वाली जीमेल सेलेक्ट कर देता हूँ, जिस पर मेरा दराज अकाउंट पहले नहीं बना हुआ। दोस्तों, जैसे ही मैं उस जीमेल पर क्लिक करता हूँ, और मेरे पास एक नई स्क्रीन, एक नया पेज शो हो जाएगा। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं मेरा दराज अकाउंट सक्सेसफुली क्रिएट हो गया है। तो दोस्तों, दराज अकाउंट तो हमारे पास बनकर रेडी हो गया है, लेकिन अभी हमने इसके अंदर कुछ चेंजिंग करनी है, कुछ वेरिफिकेशन के लिए कुछ सेटिंग्स करनी है। तो यहाँ पर अकाउंट नेम के साथ प्लस का आइकन जो आपको नज़र आ रहा है, आपने इस पर क्लिक करना है। प्लस के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आप लोगों के सामने दो ऑप्शन आएंगे, एक आएगा टेक फोटो, एक आएगा सेलेक्ट फ्रॉम एल्बम। यानी कि यहाँ पर आपने अपने अकाउंट की डीपी चूज कर लेनी है, यहाँ पर आपने अपनी कोई भी तस्वीर लगा लेनी है। दोस्तों, प्रोफाइल की डीपी सेलेक्ट करने के बाद अब आप लोगों ने आ जाना है राइट साइड पर सेटिंग का जो ऑप्शन नज़र आ रहा है आपको, आपने इसी सेटिंग के बटन पर क्लिक करना है।
सेटिंग के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपके सामने एक नया पेज आएगा कुछ इस तरह का। दोस्तों सेटिंग ओपन करने के बाद अब आपने यहाँ से अकाउंट इन्फॉर्मेशन जो फर्स्ट वाला ऑप्शन है इसको ओपन करना है। दोस्तों इस ऑप्शन को ओपन करने के बाद अब आपने यहाँ पर अपने अकाउंट के मुतालिक तमाम इन्फॉर्मेशन पुट कर देनी है। दोस्तों फुल नेम के अंदर आपने अपना जो ओरिजिनल नेम है वही सिलेक्ट कर देना है। उसके बाद नीचे ऐड मोबाइल का ऑप्शन है, यहाँ पर आप अपना मोबाइल नंबर ऐड कर दें। उसके बाद नीचे चेंज ईमेल का ऑप्शन है, अगर आप अपनी ईमेल चेंज करना चाहते हैं तो वो भी यहाँ पर इसकी जगह पर दूसरी ईमेल रिप्लेस कर सकते हैं। उसके बाद नीचे ऑप्शन है जेंडर, जेंडर के अंदर आप अगर मेल है तो मेल सेलेक्ट कर दें, फीमेल है तो फीमेल सेलेक्ट कर दें। उसके बाद एंड पे ऑप्शन है आपकी बर्थडे का, यहाँ पर आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर देनी है। ये सारे काम करने के बाद आपने बैंक आ जाना है। बैंक आने के बाद अब आपका दराज अकाउंट मुकम्मल तौर पर रेडी हो चुका है। इस अकाउंट से अब आप जो भी चीज़ दराज से बाय करना चाहते हैं आपने सिंपल उसको सर्च करना है। सर्च करने के बाद आपने उसे ऐड टू कार्ट पर उस आइटम को ऐड कर देना है। ऐड टू कार्ट करने के बाद आपने सिंपल से उसका ऑर्डर लगा देना है। कि मैंने आपको दराज अकाउंट क्रिएट करने का आसान से आसान तरीका बता दिया है। अगर आपको दराज अकाउंट क्रिएट करने के बारे में किसी किस्म का कोई भी इशू आ रहा है आप लोगों ने नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट में बता देना है। उम्मीद करता हूँ आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।